गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका वेलकम है। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर वन के माध्यम से केमिस्ट्री 12 साइंस का 15वां लेसन, जिसका नाम है पॉलीमर्स यानी बहुलक, जिसका के अंक भार 3 है, उसको स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, इस लेसन से 3 एक एक नंबर के प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। ये एक ऐसा लेसन है जो केमिस्ट्री सेकेंड बुक का सबसे ईजी लेसन माना जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, बहुलक पर एक जनरल चर्चा कर लेते हैं कि बहुलकों को सामान्य भाषा में क्या बोला जाता है, बहुलकों का किन किन क्षेत्रों में किस किस रूप में उपयोग होता है और ये हमारे दैनिक जीवन से किस प्रकार जुड़े हुए हैं। स्टूडेंट्स, बहुलकों को सामान्य भाषा में प्लास्टिक कहा जाता है, यानी आम बोलचाल में हम बहुलकों को क्या बोल सकते हैं, प्लास्टिक कह सकते हैं। ये जो बहुलक हैं, ये आधुनिक युग की रीढ़ की हड्डी है, यानी हम दैनिक जीवन की कल्पना इनके बगैर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में किसी ना किसी रूप में ये बहुलक उपयोग में आते ही आते हैं, यानी हमारा इनसे अटैचमेंट है। जैसे हमारे घर में अनेक वस्तुएं, जैसे उदाहरण ले रहा हूं मैं, बाल्टियां हैं, कूड़ादान है, या वस्त्र है, या शीट्स हैं, या पर्दे हैं, या बैग हैं, या टंकियां हैं, पाइप हैं आदि, ये प्लास्टिक यानी बहुलकों से निर्मित होती हैं। इसके अलावा वस्त्रों में, अभी मैंने बताया ना, वस्त्रों में भी आजकल स्ट्रेचेबल कपड़े आ रहे हैं, उनको बनाने में भी इन बहुलकों का उपयोग होता है। इसके अलावा वाहनों को बनाने में या वाहनों के पार्ट्स बनाने में, वाहनों के अंदर जो सीट है, वो सीट के ऊपर जो कवर है, उनको बनाने में इनका उपयोग होता है। इसके अलावा हम बात करें अंतरिक्ष यानों को बनाने में इनका उपयोग होता है, चिकित्सा क्षेत्रों में भी इनका उपयोग होता है। अब चिकित्सा क्षेत्रों में इनका उपयोग कैसे होता है, इनका एक उदाहरण मैं छोटा सा यहां लेता हूं कि जो सर्जन डॉक्टर है, सर्जरी के बाद जो टांके लगाने के लिए धागे इस्तेमाल करता है, पहले वो धागे ऐसे थे जो त्वचा के अंदर गलते नहीं थे, जब वो घाव भर जाता था तो उन घाव को कटवाने के लिए अपने को सर्जन के पास वापिस जाना पड़ता था। लेकिन आजकल ऐसा सिस्टम नहीं है, जो टांके लगाए जाते हैं आजकल, उन टांकों को लगाने के बाद टांकों को कटवाने की आवश्यकता नहीं होती, उनके धागे जो कटवाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो जो धागे होते हैं वो ऐसे बहुलकों से निर्मित हैं जो त्वचा के अंदर ही गल जाते हैं, अर्थात वो जैव निम्नीकृत बहुलक हैं, जिनके बारे में इस चैप्टर के लास्ट में हम पढ़ेंगे। अच्छा स्टूडेंट, अब अपनी बात करते हैं कि जो कृत्रिम अंगों को बनाने के लिए भी इनका उपयोग होने लगा है, क्योंकि चिकित्सा क्षेत्रों की मैंने बात की थी, तो चिकित्सा क्षेत्रों में इनका उपयोग वर्तमान समय में काफी होने लगा है, जिसके अंतर्गत कृत्रिम अंगों को बनाने के लिए भी इनका वर्तमान समय में उपयोग होने लगा है। अब हम बात करते हैं कि बहुलक जो हैं, ये क्या हैं? बहुलक जो हैं, ये एक वृहद अणु है, वृहद का मतलब बड़े उच्च अनुभार वाले अणु हैं, यौगिक है, जिनका निर्माण जो है वो अधिक संख्या में कम अनुभार रखने वाले सरल अणुओं की पुनरावृत्ति से होता है। इसका मतलब जो वृहद अणु है वो सारे के सारे बहुलक नहीं है, लेकिन जो बहुलक है वो सारे के सारे क्या होते हैं, वृहद अणु होते हैं। अब अपने बात करते हैं कि बहुलकों में कौन कौन से अणु भाग ले सकते हैं, बहुलकों को बनाने के लिए कौन से अणु भाग लेते हैं। बहुलकों को बनाने के लिए कार्बनिक अणु भी भाग ले सकते हैं अथवा अकार्बनिक, यानी दोनों प्रकार के अणुओं द्वारा बहुलकों का निर्माण किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं बहुलक शब्द की, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलीमर्स। अब ये जो पॉलीमर्स शब्द है, ये खुद दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। देखिए, पहला शब्द पॉली और दूसरा शब्द मर्स। अब पॉली का मतलब हम जानते हैं क्या होता है, अनेक होता है, अनेक यानी बहुत होता है, और मर्स का मतलब हिस्से यानी भाग या इकाई होता है। तो यहां से हम बहुलकों की सामान्य जो परिभाषा है वो बना सकते हैं। देखिए, अनेक हिस्सों से मिलकर बना यौगिक, अनेक या बहुत भागों से मिलकर बना, या अनेक या बहुत इकाइयों से मिलकर बना यौगिक क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। ये बहुलक की एक सरल सी परिभाषा बना सकते हैं। इसके अलावा जो वैज्ञानिक परिभाषा है, जो सटीक परिभाषा है, जो कि आपने परीक्षा के दौरान लिखनी है, उसको मैं बता देता हूं, वो क्या है, बहुलक उच्च अनुभार वाले, क्योंकि बृहद अणु होते हैं ये, उच्च अनुभार वाले
ऐसे यौगिक हैं जो अधिक संख्या में कम अणुभार रखने वाले अणुओं की पुनरावर्ती से निर्मित होते हैं। दोबारा सुन लीजिए स्टूडेंट्स, बहुलक ऐसे उच्च अणुभार वाले यौगिक हैं जो अधिक संख्या में कम अणुभार रखने वाले सरल अणुओं की पुनरावृत्ति से निर्मित होते हैं। पुनरावृत्ति का मतलब बार बार रिपीट होने से, सरल अणुओं की पुनरावृत्ति के पुनरावृत्ति से जो निर्मित होते हैं उन को क्या बोलेंगे, बहुलक। तो सरल अणुओं की पुनरावृत्ति, इस शब्द का मैंने यहां यूज किया, इसको भी आगे मैं क्लियर करूंगा। तो देखिए, उच्च अणुभार रखने वाले ऐसे यौगिक जो अधिक संख्या में कम अणुभार रखने वाले सरल अणुओं की पुनरावृत्ति से बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, बहुलक। तो पहली परिभाषा हमने इस चैप्टर के अंतर्गत किसकी जानी है, बहुलक की। अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषा के अंदर, मैंने एक वर्ड आप अभी बताया ना सरल अणु, उस सरल अणु की बात करूंगा मैं। तो दूसरी परिभाषा यहां ले रहा हूं स्टूडेंट मैं एकलक की। एकलक मतलब मोनोमर, मोनोमर, मोनोमर यानी एकलक क्या है, वे सरल अणु जिनकी पुनरावृत्ति से बहुलकों का निर्माण होता है उन्हें क्या बोलते हैं हम, उन्हें एकलक बोलेंगे। जैसे हमारे शरीर में जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो क्या है, कोशिका। तो कोशिकाओं की पुनरावृत्ति होती रहती है जिसके फलस्वरूप उत्तक बनते हैं, उत्तकों की पुनरावृत्ति होती रहती है जिससे कि अंग बनते हैं, अंगों से अंग तंत्र बनते हैं जिसके फलस्वरूप शरीर बनता है। तो हमारे शरीर की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई है यानी मूल इकाई है वो क्या है, कोशिका है। तो ऐसे ही बहुलकों की जो मूल इकाई है उसको क्या बोलेंगे, एकलक। ये आपने यहां ध्यान देना है कि एकलक क्या है, बहुलकों को निर्मित करने वाली सरल इकाई है। बहुलकों को निर्मित करने वाली क्या है, ये सरल इकाई है, यानी वे सरल अणु जिनकी पुनरावृत्ति से यानी बार बार रिपीट होते रहने से किनका निर्माण होता है, बहुलकों का। उन सरल अणुओं को क्या बोलना है, एकलक बोलना है। अब यहां एक छोटा सा उदाहरण भी लेता हूं मैं, एक बहुलक के बनने की अभिक्रिया का। वो बहुलक जिसको कि हम दैनिक जीवन में किसी ना किसी रूप में उपयोग में लाते रहते हैं और उसको भली भांति जानते हैं, उसका उदाहरण है पॉलीएथीन। देखिए पॉलीएथीन जिसको कि हम पॉलीथीन उचारते हैं, लेकिन सही शब्द क्या है, ये पॉलीएथीन है। तो हम जानते हैं यहां इसके नाम के बीच में क्या लगा हुआ है, पॉली लगा हुआ है। तो स्टूडेंट्स आपने ये भी नोट करना है कि जिस यौगिक के नाम के बीच नाम में पॉली आ जाए वो एक प्रकार से बहुलक है। तो यहां इस शब्द को मैं दो शब्दों में तोड़ू तो पॉली प्लस एथीन बनेगा। पॉली का मतलब अनेक, यानी पॉलीथीन में अनेक एथीन इकाइयां जुड़ी है। तो एथीन, एथीन का जो सूत्र है वो क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो एथीन की असंख्य इकाइयां, क्योंकि मैंने कहा ना अनेक, अनेक है तो मुझे संख्या नहीं पता, तो असंख्य इकाइयां जब आपस में जुड़ेंगी तो ये संरचना वाला एक बहुलक मिलेगा। एन संख्या में एथीन इकाइयां भाग ले रही हैं तो ये संरचनात्मक इकाई CH2 की ये संरचनात्मक इकाई वाला बहुलक जिसे होल एन करके लिखेंगे ये प्राप्त हो रहा है। इसका नाम है यहां पॉलीएथीन। ये एथीन था तो ये क्या है, पॉलीएथीन। और एथीन क्या है, एकलक है। और ये क्या है, यहां ये यहां बहुलक है। तो देखिए सुन, एथीन से क्या बना, पॉलीथीन। एथीन क्या है, एकलक। तो एकलक अणुओं की पुनरावृत्ति हुई उससे ये उच्च अणुभार वाला यौगिक मिला जिसे क्या बोलेंगे, पॉलीथीन। तो अब तीसरी परिभाषा यहां हमें बहुत जाननी जरूरी है, वो है बहुलीकरण, जिसे बहुलकण भी कहते हैं। क्या बोलेंगे, बहुलकण। बहुलकण एकलकों से बहुलक बनने की विधि को बोलते हैं, प्रक्रिया को बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एथीन से मैंने क्या बनाया, पॉलीथीन। तो एथीन से पॉलीथीन बनाने की ये जो क्रिया है इसको कि हां मैं क्या लिख सकता हूं, बहुलकण लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि बहुलकण का मतलब पॉलीमराइजेशन होता है, यानी द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पॉलीमर फ्रॉम मोनोमर्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। यानी एकलकों से बहुलक बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम क्या बोलेंगे, बहुलकण या बहुलकीकरण या बहुलीकरण। इसके यहां तीन नाम है, पहला नाम बहुलीकरण, दूसरा नाम बहुलकण, तीसरा नाम
बहुलकी कर, इन तीनों का मतलब सेम है, ये ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। बहुलकीकरण, बहुलीकरण, बहुलकन, इंग्लिश में एक ही नाम है पॉलीमराइजेशन। तो एथीन से पॉलीथीन का बनना क्या कहलाएगा? बहुलकीकरण कहलाएगा, या बहुलीकरण या बहुलकन कहलाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट परिभाषा की, जो है बहुलीकरण की मात्रा। बहुलीकरण की मात्रा, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। देखिए स्टूडेंट्स, एकलकों से बहुलक बनने की प्रक्रिया में, यानी बहुलकन में, जितने एकलक अणु भाग लेते हैं उन अणुओं की संख्या को क्या बोलेंगे? बहुलकीकरण की मात्रा या बहुलीकरण की मात्रा। तो अपने ऐसे कह सकते हैं, बहुलीकरण प्रक्रिया में भाग लेने वाले एकलक अणुओं की संख्या क्या कहलाती है? बहुलीकरण की मात्रा। जैसे इस अभिक्रिया में, एथीन से पॉलीथीन के बनने की अभिक्रिया में हमने ये जाना कि एथीन के कितने अणु भाग ले रहे हैं? स्मॉल एन, यानी असंख्य। तो ये जो एन लगा है ये यहां बहुलीकरण की मात्रा है, क्योंकि बहुलीकरण की मात्रा की परिभाषा क्या होती है? बहुलक बनने की प्रक्रिया में जितने अणु एकलक भाग लेते हैं उनकी संख्या क्या कहलाती है? बहुलीकरण की मात्रा। तो इस अभिक्रिया में यहां बहुलीकरण की मात्रा कितनी है? स्मॉल एन। और यदि मैंने यहां स्मॉल एन की जगह यहां 10 लिख दिया तो यहां भी क्या लिखना पड़ेगा? होल 10। तो अब स्टूडेंट्स आप बताइए कि यहां बहुलीकरण की मात्रा कितनी होगी? तो आप अपने उत्तर को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस अभिक्रिया में बहुलीकरण की मात्रा कितनी है। तो स्टूडेंट्स ये बहुलक का एक जनरल परिचय था। अब मेरी आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम बहुलकों के बारे वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे। बहुलकों के वर्गीकरण में से एक या दो नंबर का प्रश्न पेपर में अवश्य पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स मेरी आज की ये जो वीडियो है आपको कैसे लगी? अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।